बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, इंकलाब जिंदाबाद, सीएटीयू जिंदाबाद, लिमिटेड मुर्दाबाद, लिमिटेड मुर्दाबाद, एक्सप्रेस वे में बेरोजगारों को रोजगार दो, सीएटीयू जिंदाबाद, 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 वर्कर चुप्पी जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 जिला प्रशासन होश में हो। ये हमारी जो मेगा इंफ्रा लिमिटेड जिसने जो नेशनल हाईवे का काम लिया है, एक्सप्रेस वे का जो काम कर रही है, अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन काम कर रही है, तो आज हमारा चौथी बार जो है डी साहब से हमारी मुलाकात हुई है। और आज का जो प्रदर्शन था हमारा, वो इसी मसले को लेकर के था कि जब ये हज़ारों का प्रोजेक्ट सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, तो विकास का मानवीय चेहरा भी होना चाहिए। हमारा आज का प्रोटेस्ट यही था, इसी के मसले को लेकर के था, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर नेशनल हाईवे का काम और उसका एक्सप्रेस वे का काम जो चल रहा है, उसके अंदर जितनी भी जो मैन पावर लग रही है, वो मैन पावर जो प्रायोरिटी है वो लोकल को दी जाए, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के मजदूरों को दी जाए। जहाँ का ड्राइवर है, डोजर है, JCB ऑपरेटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, फिटर है, मैसन है, ये तमाम कैटेगरियाँ जो टेक्निकल वर्कर जितना भी है, वो जहाँ का 80% जो है उसको प्रायोरिटी दे। ये हमारी डिमांड जो है पिछले एक महीने से हम DC साहब के संज्ञान में ये चीज़ें लाई हुई है। तो हमारा कहने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब सरकार से कोई कंपनी काम लेती है या सरकार जिस कंपनी को काम देती है, तो एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट उसमें साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत 80% जो टेक्निकल जो वर्कर है वो वहाँ का लोकल लगना चाहिए। जबकि कोई इनके पास अगर टेक्निकल वर्कर जहाँ अवेलेबल नहीं है, तभी ये बाहर का वर्कर को बुला सकते हैं, नहीं अदरवाइज जहाँ का वो वर्कर वो लगना चाहिए। दूसरा, अनस्किल्ड लेबर जो हेल्पर की है उसमें आता है, तो वो 100% है। तो हम उसी आधार के ऊपर ये मांग रहे हैं कि जहाँ का जो जब लेबर जहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 3-4 साल के अंदर 22% अनएम्प्लॉयमेंट है और हिंदुस्तान के अंदर नंबर दूसरे पर है, और सरकार दावा करती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उस डेवलपमेंट के अंदर अगर आपकी डेवलपमेंट सही मायने में जो विकास है, तो फिर जो इंक्रीज होती जो रोज मजदूर जो है बेरोजगार हो रहा है, काम से हाथ धो रहा है, पढ़ लिख करके बच्चा छड़कों पर घूम रहा है, तो फिर उसके लिए जॉब की वो व्यवस्था क्यों नहीं है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर जो सरकार इस मसले को हल नहीं करती है, हमने DC साहब के संज्ञान में लाया, उन्होंने कल हमें आश्वासन दिया, आज उन्होंने कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि कल उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के किसी इंजीनियर को बुलाया है, वो जहां पर मुलाकात होगी, कल देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या अपना वो रुख अख्तियार करती है, और उसके बाद फिर हम मजदूर अपना तय करेगा। ये जो हमारा लोकल यूथ है, जो टेक्निकल है, स्किल्ड है, स्किल्ड लेबर है, और जहाँ पे जो एक्सप्रेस हाईवे का जो काम लगा हुआ है, हमारी ये मांग है कि वहाँ पे जितना भी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ये एंगेज करें, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर पहले ही बेरोजगारी की मार झेल रहा नौजवान यूथ जो है, जो ड्राइवर है, ऑपरेटर हैं, मैकेनिक हैं, ये पहले ही बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और जहाँ पे कठुआ के अंदर काम है, कोई ये काम इनका हक बनता है और इनको ये मिलना चाहिए। यही मांग लेके हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से और जो एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी जो है, मेगा कंपनी जो है, उनके पास जा रहे हैं ये साथी, लेकिन हर तरफ से हमें आश्वासन जो है वो DC कठुआ से आश्वासन मिल रहा है कि वो उनके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कल के लिए उन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसके जो अथॉरिटी के जो एहलकार हैं उनके साथ जो मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई है, कल उस मीटिंग में क्या तय होता है, क्या फैसला होता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो लोकल यूथ को एंगेज करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आंदोलन का रास्ता जो है हमारे पास है, उस रास्ते को हम अपनाने की कोशिश करेंगे।